थाना कुकानार द्वारा 72 घंटे के अंदर ग्राम पालिन में मृतक नोपू भोंदू के नृशंस हत्या का खुलासा किया गया। प्रकरण में मृतक हत्या करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2 अपराधी विवेचना में पुलिस को मदद करने के नाम पर गुमराह कर रहे थे और वहीं झाड़फूंक जादू टोना एवं आपसी जमीन संबंधित विवाद पर यह घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुराग झा के कुशल मार्गदर्शन में ग्राम पालेम में हत्या की सूचना प्रार्थी द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। 9 तारीख की रात के दरमियानी रात की घटना है जिसमें पालेम गांव कुकना थाना क्षेत्र में रहता है वहां पर के उनको भोंदू नाम का एक 52 वर्षीय आदमी उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके घर में घुस कर एक अन्य कत्ल था जिसमें एसपी साहब ने विशेष निर्देश देकर कहा कि जिसको मामले को जल्दी से सुलझाया जाना चाहिए। हमारी पूरी टीम इस पर लगी और जब इसमें हम लोग गए तो पता चला कि वही पास के ही गांव के जो जिनमें से 2 लोग इनके रिश्तेदार भी थे उन लोगों ने इसको हत्या कारित करना पाया गया और पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक आदमी इनका चाचा है और एक इनका भाई है, सगा भाई है। जमीन को लेकर के इनके बीच में विवाद था, एक साथ ये लोग बैठ करके शराब पी रहे थे और उसी दरमियान इन लोगों ने तय किया कि ये चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये रात में ही गए उनके घर में, कंगिया फरसा से मार दी, इनकी हत्या कर दी। इस घटना में हम लोगों ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको आज हम न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। इन लोगों से चाकू, टंगिया और जो फरसा है जो हत्या करने में घटना में प्रयोग हुआ था उसको हम लोगों ने जब्त किया है।